अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुजी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। पार्श्वनाथ स्वामी ने अणवोकार मंत्र सुनाया था। प्रश्न नंबर 1, कि अणवोकार मंत्र उस समय था या नहीं था? जिस अणवोकार मंत्र को आप बोल रहे हैं इस रूप में तो था ही नहीं, ये तो पुष्प दंत भूतबलि आचार्य के माध्यम से लिखा गया। दर्शनाचार्य के निर्देशन में षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में पुष्प दंत आचार्य देव ने सबसे पहले अणवोकार मंत्र लिखा 2000 साल पहले। कि नहीं नहीं पंडित जी क्या बात कर रहे हो, अणवोकार मंत्र तो अनादि अनिधन है, आप कहाँ 2000 सालों की बात कर रहे हो, अनादि काल से चला आ रहा है, आप कैसी बात कर रहे हो, अणवोकार मंत्र तो बहुत पुराना है, बहुत पहले से चला आ रहा है। भैया लेकिन इस रूप में तो नहीं था, प्राकृत गाथा बद्ध तो नहीं था, अणमो अरिहंताणम अणमो सिद्धाणम इस रूप में तो नहीं था, किसी भी रूप में, वो तो सिर्फ इस रूप में उसका अस्तित्व कहा जाता है कि पंच परमेष्ठी अनादि काल से होते आ रहे हैं, इसलिए पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने वाला मंत्र भी होना चाहिए, उन्हें नमस्कार भी किया जाता रहा होगा। क्या? क्योंकि पंच परमेष्ठियों को, जब हैं पंच परमेष्ठी तो उनको नमस्कार भी तो करते होंगे भक्त, तो जिस रूप में करते होंगे उस रूप में उसका अस्तित्व होगा, लेकिन ये नहीं था, एक बात तो ये सिद्ध हो गई। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि तीर्थंकर बनने वाले जो जीव होते हैं, राजकुमार पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं आप, तीर्थंकर बनने वाले जीव अणवोकार मंत्र नहीं बोलते हैं बचपन से ही। क्या? वे तीन लोक के नाथ होने वाले हैं, वे धर्म तीर्थ के कर्ता होने वाले हैं, वे दीक्षा भी लेते हैं तो उनके कोई दीक्षा गुरु नहीं होते, दीक्षा देने वाले आचार्य नहीं होते, ओम नमः सिद्धेभ्य कहकर के भी दीक्षा नहीं लेते। अरे क्या बात कर रहे हो, यही तो बोलते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि ओम में भी पंच परमेष्ठी आ जाते हैं। क्या? इसलिए ओम नमः सिद्धेभ्य भी नहीं, सिर्फ नमः सिद्धेभ्य बोल करके वस्त्राभूषण का त्याग कर देते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। क्या? ओम भी नहीं, उच्चारण नहीं होगा, नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा ले लेते हैं। अब जरा आप कल्पना कीजिए उनके संदर्भ में वे कैसे अणवोकार मंत्र सुना सकते हैं, वे आचार्य उपाध्याय साधुओं को वंदन कैसे कर सकते हैं। एक घटना आती है भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल की। भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम हैं, उनका नाम पड़ गया था सन्मति। वो नाम कैसे पड़ा, आप यदि पुराण उठा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज, संजय विजय नाम के मुनिराज, संजय जी साहब, क्या संजय विदिशा नहीं, संजय विजय ऐसा, तो ये 2 नाम वाले मुनिराज, उन्हें विकल्प खड़ा हुआ। क्या विकल्प खड़ा हुआ कि भाई ये शंका का समाधान कौन कर सकता है, विचार आ गया दिमाग में, चल रही है बात, शंका हो गई मुनिराज, शंका माने जिज्ञासा समझ लीजिए, विकल्प खड़ा हो गया है ना, क्योंकि मैं शंका जिज्ञासा में अर्थ कर अंतर करता रहता हूँ ना, तो मैं जानता हूँ आप लोग सब विकल्प करेंगे, फिर तो विकल्प खड़ा हो गया। बोले समाधान कौन कर सकता है, बोले बालक वर्धमान है वो कर सकते हैं, तो चले उनके पास में, बोले अरे समस्या हो जाएगी। दोनों मुनिराजों ने विचार किया समस्या हो जाएगी, हम यदि बालक वर्धमान के पास चले गए, राजकुमार वर्धमान के पास चले गए, तो समस्या ये हो जाएगी कि हम उनको वंदन नहीं कर सकते, वे गृहस्थ हैं और हम संयमी हैं, मुनिराज हैं, हम उनको वंदन नहीं कर सकते। वो कर लेंगे कि नहीं, वो तीर्थंकर होने वाले जीव हैं, वे किसी के आगे अपना मस्तक झुकाते नहीं हैं। आपको मालूम है ब्रह्मी और सुंदरी ने विवाह क्यों नहीं किया, इसीलिए विवाह नहीं किया, मस्तक झुकाना पड़ेगा।
आपको मालूम है तीर्थंकरों के बाल क्यों नहीं बढ़ते हैं? गर्दन इधर घुमाओ, इधर करो, नहीं इधर इधर करो, ऐसे करो, आप समझ नाई के यहां जाकर के, अरे कोई भी हो वो गर्दन झुकाएगी ही नहीं किसी के आगे, वो झुकते ही नहीं है। तीन लोग के नाथ होने वाले हैं, वो किसके आगे झुके? सौदर में इंद्र जन्म होते ही जिनके आगे झुक रहा है, अपने वहां सिंहासन से 7 कदम आगे चल करके जो वंदन कर रहा है अपने दरबार के साथ में, सौदर में इंद्र जैसा जन्मते बालक को कौन झुके? कहां झुके? किसके आगे झुकेंगे तीर्थंकर परमात्मा? न ऋषभ देव किसी के आगे झुके, और महावीर स्वामी भी नहीं झुकेंगे मुनिराजों के आगे। मुनिराज उन्हें वंदन नहीं कर सकते, वे उन्हें वंदन नहीं कर सकते, तो करें क्या कि बोले चल के देखते हैं। और दूर से ही उन्होंने देखा और शंका का समाधान हो गया, और नाम उनका उन्होंने रख दिया सनमति, जिन्हें देखते ही मति के सारे विकल्प मिट जावे। क्या ऐसी सुंदर मति वाले सनमति नाम रख दिया गया। मुझे तो सिर्फ यह कहना है कि मुनिराजों को वंदन करने की स्थिति तीर्थंकर बनने वाले जीवों के साथ में नहीं बनती है, इसलिए पार्श्वनाथ स्वामी ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया होगा, यह बात बन ही नहीं सकती है। अब आप कहेंगे शास्त्र में लाकर के दिखा देवे, तो फिर हम यही कहेंगे भाई साहब प्रथमानु योग है, कथा है, घटना घटी होगी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नाग नागेन मरकर के धर्णेन्द्र पद्मावती हुए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, सच्ची घटना है। लेकिन नमोकार मंत्र नहीं सुना करके कुछ और भी तो उपदेश दे सकते हैं। हे भव्य जीव, हे पात्र जीव, ये देह तो छूटनी ही है, तुम तो देह से भिन्न तत्व हो, क्या कुछ तो बात कही जा सकती है ना साहब? क्या तुम तो देह से भिन्न हो, ये शरीर की विकृति है, ये तत्समय की योग्यता है, ऐसी ही होनहार थी, अपने परिणामों को संभालना, क्योंकि फल तो परिणामों का ही लगता है। शरीर छूटेगा तो छूट जाएगा, और आज नहीं छूटेगा तो कुछ दिन बाद में छूटेगा। अमर होकर के तो कोई नहीं आया है, कुछ उपदेश दिया होगा, बस इस उपदेश को ही प्रथमानु योग की शैली में कह दिया कि णमोकार मंत्र सुनाया, बस इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई साहब क्या क्या चल रहा है दुनिया भर में, ये कह रहे हैं 48 कोठरियों में बंद कर दिया था उन्हें, और तीर्थंकर भगवान की स्तुति उन्होंने की थी, भगवान की स्तुति की थी। ज्ञानी भगवान की स्तुति करते हैं सहज अशुभ भाव से बचने के लिए, उस समय उनकी आत्मिक प्रवृत्ति अशुभ से हटकर बेड़ियों वगैरह से होने वाले कष्टों की तरफ न जाकर। अरे बेड़ियों का विकल्प क्या बात कर रहे हो आप? क्या बंधन का विकल्प? अरे उन्हें तो कर्म बंधन का भी विकल्प आवे तो कर्म बंधन से मुक्ति ना मिले, आप बेड़ियों के विकल्प की बात कर रहे हो क्या? उन्हें बेड़ियों का बंधन बंधन नहीं लगता, उन्हें विकल्प का बंधन बंधन लगता है, उन्हें राग का बंधन बंधन लगता है भाई साहब। क्या राग का बंधन? ये जो राग खड़ा हो गया है, विकल्प खड़ा हो गया है बंधन को लेकर, ये विकल्प खतरनाक है, ये बंधन का हेतु है। समय सार ग्रंथादि राज में बंध अधिकार में अध्यवसान भाव को बंध का कारण कहा, और बार बार में ये कहा बंधे एक रागादि, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, राग से बंधता है ये, विकल्प से बंधता है। अहो हमारे वीतरागी संत, उन्हें विकल्प नहीं आता है। भगवान जिनेन्द्र देव की दृढ़ भक्ति रूप शुभ प्रवृत्ति में आकृष्ट हुई, जिनेन्द्र देव की भक्ति शुभ प्रवृत्ति में आकृष्ट हो गई, उस समय उन्हें सातिशय पुण्य बंद हुआ, पुण्य बंद हुआ होगा। ऐसा होने से तत्काल उनका बेड़ी आदि बंधनों से छुटकारा हुआ और देवायु का बंद हुआ। मानदुंगाचार्य के संदर्भ में ये कथन कर दिया है इन्होंने यहाँ कि भाई साहब ऐसा हुआ था या हुआ होगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। देखो हुआ और किया, इन दोनों में बहुत फर्क है। पंडित जी आपने पैर क्यों तोड़ लिया? तोड़ लिया कि टूट गया? क्या तोड़ा के टूटा? क्या उन्होंने बेड़ियां तोड़ी या टूटी? दोनों में फर्क है ना। जब कार्य करने का विकल्प नहीं होता है तो यही कहा जाता है हुआ, और जब विकल्प पूर्वक कार्य किया जाता है तो आप लोग कहते हैं किया। क्या जितेंद्र जी साहब आपने ट्रेन क्यों कैंसिल कर दी? कर दी कि हो गई? हो गई है?
जहां कर्तृत्व की बात आती है वहां कहते हैं किया, और जहां अपना कर्तृत्व नहीं होता है वहां कहते हैं हुआ। हमारे यहां जैन परंपरा में पर का कर्ता धर्ता कोई नहीं है, यहां काम होता है। क्या काम हुआ था, बस उस घटना का उल्लेख है। ये बात यहां कह रहे हैं, कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, छुटकारा हुआ और देवायु का बंध हो गया, साथी से पुण्य का बंधन हो गया। इसलिए भाई साहब आप ये सोच रहे हो कि उन्होंने भक्ति इसलिए की थी तो गलत फहमी में हैं। और पीछे इतने सुंदर वाक्य कह दिए थे, दो दिन पहले चली थी चर्चा हमारी यहाँ, जिसमें ऐसा कहा था राकेश जी साहब, ऐसी चर्चा की चिंतामणि रत्न को छोड़कर पत्थरों को उठा रहा है, क्या कर रहा है, क्या दे करके क्या ले रहा है, ये पता है किसकी एवज में क्या हो रहा है। ये भक्ति तो मुक्ति प्रदान करने वाली है, ये चर्चा आएगी अभी। भक्ति मुक्ति दातार है, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान का भक्त भगवान बन जाता है, वीतरागियों की भक्ति करने वाला वीतरागी बन जाता है, अरहंत भगवान की भक्ति करने वाले को अरहंत दशा से कम अवस्था की प्राप्ति नहीं होती, सिद्धों की भक्ति करने वाले सिद्धों से कम नहीं बनते, सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है उनको। आइए जैन साहब क्या क्या करेंगे बोलो, अपन भगवान की भक्ति करते हुए भगवान बनेंगे। एक तरफ भगवान बनने का मार्ग है और दूसरी तरफ ये भक्ति करते हुए कहता है यार थोड़ी सी ये व्यवस्था अच्छी मिल जाए सोनागिर जी में। क्या 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 कर रहा है, हमने तो सोनागिर जी यहां भगवान बनाने के लिए बुलाया है और तुम यहां व्यवस्था के लिए आए, तो फिर सब गड़बड़ हो गया मामला। क्या क्या साहब, जय कुमार जी साहब बोलो, जय कुमार जी साहब, इधर रतलाम वाले हैं, इधर शिवपुरी वाले हैं, देखो क्या कह रहे हैं। तो मान दूंगा चारी की कहानी हो गई पूरी, अब एक और सुन लो जरा, ये क्या कह रहे हैं यहाँ समंत भद्राचार्य देव की, बड़ी गजब की कहानी है, बहुत लोगों ने सबने सुनी होगी पहले, परंतु आचार्य देखो क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार विक्रम की दूसरी शताब्दी में बहुश्रुत विद्वान दर्शन शास्त्र के समुद्र आचार्य समंत भद्र को मुनि अवस्था में जब भस्मक रोग हो गया, तब उन्होंने अपने आचार्य से समाधि मरण करने की आज्ञा मांगी। क्या करते हैं हमारे मुनिराज, देखो कहानियों के माध्यम से कुछ तथ्य भी निकलते हैं, और ऐसे तथ्य निकलते हैं जिनसे ये बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि मुनिराजों के ऊपर इस तरह के संकट आने पर वे समाधि की सोचते हैं। तात्कालिक समाधि भी होती है, उपसर्ग के काल में समाधि की भावना भा लेते हैं। अभी रक्षाबंधन गया है पीछे, 700 मुनिराजों के ऊपर जब उपसर्ग हो रहा था तो वे क्या कर रहे होंगे, समाधि की भावना भा रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे बताओ, क्या कर रहे होंगे। उपसर्ग का विकल्प तोड़कर विकल्पों से निर्विकल्प होने की भावना पूर्वक अपने स्वभाव में उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समाधि होवे और निर्वाण की प्राप्ति हो जावे। क्या समाधि मतलब ध्यान मग्न, समाधि मरण नहीं होता है। फिर जब समाधि में लीन हो जाते हैं तो फिर मरण नहीं होता है, फिर समाधि से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। क्या चौथे काल के मुनिराज थे सबके सब, क्या यदि वे समाधि में लीन हो जावे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, अरंत बन जावे। समाधि मरण के लिए आज्ञा मांगी समंत भद्राचार्य देव ने, परंतु आचार्य ने कहा कि आप बहुश्रुत प्रकांड विद्वान हो, जैन धर्म रूपी सूर्य को आच्छादित करने वाले नैयायिक वैशेषिक सांख्य आदि एकांतवादी प्रचंड मेघों को तितर बितर करने में खंडन करने में आपकी प्रतिभा प्रचंड वायु के समान अप्रतिम प्रतिभा है। क्या क्या गजब की प्रतिभा थी, गुरु भी जानते हैं, सच में गुरु से ज्यादा कौन जानेगा शिष्य को। गुरु पढ़ाते हैं तो वे पढ़ाते समय पहचान जाते हैं, पारखी होते हैं ना, वे बराबर पहचान जाते हैं कि हमारा शिष्य कैसा है, और जब इस बात को वे पहचानते हैं तो बराबर पहचान लिया, प्रमोद जी भाई साहब बराबर इस बात को पहचान लिया कि ये जो शिष्य है इनके माध्यम से जिन धर्म की कोई अद्भुत प्रभावना होनी है, इनके माध्यम से जिन शासन की कुछ प्रभावना का अद्भुत योग दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है कि अभूतपूर्व क्रांति इनके माध्यम से होगी,
इसलिए उन्होंने समाधि मरण की आज्ञा प्रदान नहीं की। नहीं, अभी समाधि का काल नहीं है। आपके माध्यम से तो एकांतवादियों का रूपी मेघों का खंडन होगा, ऐसे प्रचंड वायु के समान हैं आप। इसलिए आपके द्वारा जैन धर्म रूपी सूर्य उग्र तेज से चमककर भव्य प्राणियों के हृदय कमलों को प्रफुल्लित करेगा। और हुआ भी ऐसा। पिछले 2000 वर्षों में समंत भद्राचार्य के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ये सब एक से एक दिग्गज आचार्य हुए हैं। समंत भद्राचार्य भी कुंदकुंदाचार्य से कहीं कम नहीं है। आज यदि जैन शासन और जैन परंपरा निरावाद रूप से चल रही है तो उसमें समंत भद्राचार्य देव का भी बहुत बड़ा योगदान है। न्याय के प्रकांड आचार्य, अद्भुत तर्क शक्ति, न्याय उनकी भक्तियों में, उनकी स्तुतियों में, उनकी रचनाओं में, उनके द्वारा की गई आप्तमीमांसा, आप पढ़ो तो आपको लगे कि ये क्या है। उनके द्वारा लिखा गया देवागम स्तोत्र स्तुति काव्य है, और ऐसी स्तुति है कि जिन शासन के अद्भुत गंभीर रहस्य उसके अंदर भरे हुए हैं, ऐसी स्तुति है वहां। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ समंत भद्राचार्य का लिखा हुआ, गंधहस्ती महाभाष्य, युक्त्यानुशासन, गजब गजब की रचनाएं हैं। तो ये कह रहे हैं भाई साहब, अर्थात तुम्हारे द्वारा जैन शासन की स्थायी उन्नति होगी, इसलिए हम तुम्हें समाधि मरण करने की आज्ञा नहीं देते। लो, आचार्य ऋषि ने क्या कह दिया, हम तुम्हें समाधि मरण की आज्ञा नहीं देते। क्या हो गया था उनको? रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? भस्मक। ये भस्मक कौन सा रोग है भाई साहब? ये कौन सी बीमारी है? नेट पे सर्च करो, गूगल बताएगा। क्या भस्मक माने? भस्म कर देने वाला। क्या माने? सच में ऐसा ही है, लेकिन किसे? भोजन को। क्या भस्मक रोग जो हो गया है वो ऐसा रोग है कि कुछ भी खाएं और अंदर जाते ही जठराग्नि इतनी तेज हो जाती है कि कुछ भी खाओ बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। ये कभी कभी आप घरों में देखोगे, किन्हीं बच्चों को या बड़ों को भी हो सकती है, किसी को भूखी भूख बहुत लगती है। अभी तो खाना खा करके उठे और फिर खाना मांगने को तैयार, ये क्या हुआ है? वो भस्मक का ही रूप है एक प्रकार का। इन्हें तो भयंकर भस्मक व्याधि हो गई थी, और ऐसी बीमारी हो गई थी कि समझो आप 50-50, 100-100 किलो खा जाए क्या, और शरीर अपन लोगों जैसा, और 100-100 किलो खा जाए तो भी सब खत्म, खाली का खाली, सब साफ हो जाए, ऐसी बीमारी हो गई थी। ये कह रहे हैं आदेश क्या दिया, किंतु हम तुम्हें समाधि मरण की आज्ञा नहीं देते हैं, किंतु कुछ समय के लिए मुनि दीक्षा का छेद किए देते हैं, क्योंकि जैनेश्वरी दीक्षा के अनर्गल प्रवृत्ति का निषेध है। भाई साहब आप दीक्षाधारी हैं, आप मुनि हैं, इससे एक बात और स्पष्ट हो गई। माने आचार्य सूर्य सागर जी इस बात को अत्यंत स्पष्ट कर रहे हैं कि आप मुनि भूमिका में रहते हुए उपचार नहीं कराएंगे। क्या माने स्पष्ट शब्दों में बात कर रहे हैं? बिल्कुल दो टूक बात करते हैं ये। माने वर्तमान समय में जो व्याप्त विकृतियां दिखाई देती है, ये कह रहे हैं आप मुनि भूमिका के रहते हुए आप किसी भी तरह का उपचार नहीं करा सकते हैं। हाँ, यदि आपको उपचार कराना है तो आप मुनि दीक्षा को छेद दीजिए, कपड़े पहन लीजिए, फिर आपको उपचार कराना हो तो उपचार कराना। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कहानी के माध्यम से इस ग्रंथ के लेखक आचार्य सूर्य सागर जी लिख रहे हैं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसा होने पर वे काशी में दंडी त्रिदंडी का वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर शिव जी के मंदिर में गए। वहां 12 मन से भी अधिक नैवेद्य, 12 मन, एक मन 40 किलो का, क्या कितना हो गया, 480 किलो है, माने 500 किलो लगभग, 12 मन से भी अधिक, ये 500 किलो का नैवेद्य मिष्ठान लड्डू चढ़ाया जाता था। ये छिपकर मिष्ठान खाने लगे। क्या इन्होंने कह दिया वहां के पंडों को, महाराज को कह दिया, लोगों को कह दिया, कितने सालों से तुम्हारे भगवान भूखे बैठे हैं और तुम उनके नाम से तो इकट्ठा करते हो और सब मिल बांट करके खा जाते हो, भगवान को कुछ नहीं खिलाते हो। बोले मैं खिला सकता हूं, दरवाजा बंद करके
और एक घंटे में सब 500 किलो सब साफ दरवाजा। अब एक आदमी तो कैसे खाएगा, गाय तो कैसे कैसे करेगा, 500 किलो किसे कहते हैं, सब खत्म। कुछ दिन बाद जब भस्मक रोग चला गया तब शिवजी का नैवेद्य बाकी बचने लगा। अब तो बात पकड़ में आएगी। देखो गृहस्थ दशा में आ गए थे वो, ऐसा समझ लो आप, मुनि दशा छूट गई थी उनकी। तब राजा को पुजारियों के द्वारा संदेह हुआ, अतएव सैनिकों का पहरा लगाया गया, फिर उसके जरिए इनका पता पड़ गया। तब राजा ने इन्हें शिवजी को नमस्कार करने का आग्रह किया। माने लोगों ने कहा कि ये शिवजी का अन्न तो खुद खा जाता है और ये तो नमस्कार भी नहीं करते शिवजी को। राजा ने आग्रह किया कि पहले तो इनको नमस्कार करो, इनको हाथ जोड़ो, क्षमा मांगो यहाँ, और फिर उसके बाद राज दरबार में तुम्हारी सुनवाई होगी, उसके बाद में होगा जो भी होगा, पहले तो यहाँ हमारे भगवान को वंदन करके चलो। आपको पता है समंतभद्र स्वामी ने क्या कहा? समंतभद्र स्वामी ने राजा से कहा कि महाराज आपकी ये जो प्रतिमा है ना, ये मेरे नमस्कार को झेल नहीं पाएगी। क्या 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 बकवास कर रहे हो, झेल नहीं पाएगी। आदेश है हमारा कि महाराज, फिर कह रहा हूँ, देखो मैं वंदन करूँगा, ये झेल नहीं पाएंगे क्या, कि चुपचाप वंदन करो। और उन्होंने क्या किया, नमस्कार न करने पर दंड का भय बतलाया। तब इन्होंने स्वयंभू स्तोत्र द्वारा भक्ति की गंगा बहाई, स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, भक्ति काव्य है, जैन दर्शन के भक्ति के इतिहास में प्राचीनतम भक्ति है ये स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र। इससे प्राचीन यदि कोई उल्लेख तलाशेंगे तो हमारे को 10 भक्ति मिलेगा कुंद कुंदाचार्य देव का। क्या 10 भक्ति लिखी कुंद कुंदाचार्य देव ने, जिसमें चैत्य भक्ति है, श्रुत भक्ति है, आचार्य भक्ति है, ये सब भक्तियाँ लिखी है उन्होंने बहुत सारी। तो ये स्वयंभू स्तोत्र में भक्ति की गंगा बहाई, और स्वयंभू स्तोत्र को जब आप देखते हैं तो उसमें रचना करते गए, ऋषभ देव भगवान की स्तुति में काव्य लिखा, फिर अजितनाथ भगवान की स्तुति में, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, फिर सुमतिनाथ भगवान, फिर पद्मप्रभ भगवान, ये फटाफट लिखते लिखते लिखते। जब चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति कर रहे थे तो वहाँ शब्द आए नमन करने योग्य, और हाथ जोड़ करके इन्होंने नमस्कार किया। क्या फिर क्या हुआ, देखो आगे लिख रहे हैं। जब गंगा बहाई तब क्या हुआ, बोले चंद्रप्रभ तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने के समय शिवलिंग से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा निकली, शिवलिंग फट गया क्या, और वो फटकर वहां चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हो गए क्या। आज भी वाराणसी में फटे महादेव जी के मंदिर के नाम से वो मंदिर है क्या, फटे महादेव जी, और वहाँ महादेव जी की प्रतिमा आज भी वो फटी हुई वहाँ मौजूद है। चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा के बारे में तो मैंने ऐसा सुना है, शायद वो वहाँ से फिरोजाबाद या कहीं चले गई, ऐसा सुना मैंने कहीं और दूसरी जगह, वहाँ से फिर वो ले गए, श्रद्धा से ले गए, अपने भक्त लोग ले गए, या कहीं और जाकर के वो विराजमान हुई है, सुना था मैंने, किसी ने मेरे को कही थी ऐसी बात, कहाँ है पता नहीं। चलो जो भी है और बतला देंगे कभी किसी से, और यदि पुख्ती जानकारी मिलेगी तो वो प्रतिमा कहाँ है, लेकिन वो मंदिर वहाँ है। कौन सा, फटे महादेव जी का, वो तो बनारस जाने वाले कई लोग देख देख करके आते हैं। देखिए तब इन्होंने राजा और प्रजा के समक्ष जैन धर्म का स्वरूप एवं नमस्कार करने योग्य तीर्थंकरों का स्वरूप समझाया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुजी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते क्षायिक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।